बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम, कैसे हैं आप लोग? आज हम बनाएंगे साबूदाना खिचड़ी। साबूदाना खिचड़ी बनाने के लिए यहाँ पर हमने ले लिए है 1 कप साबूदाना, जिसे अच्छे से 2-3 बार धो करके आधा कप पानी डाल करके इसे हमने 6 घंटा भिगा कर रख लिया था। और साथ में ले लिए है कटी हुई प्याज है, कटे हुए आलू, आलू हमने बहुत पतले पतले कट कर लिए है, आप उबले हुए आलू भी ले सकते हैं। और अदरक लहसुन है, बारीक बारीक कट कर लिया है, मूंगफली, हरा मिर्च, हरा धनिया, कड़ी पत्ता, ज़ीरा, नींबू का रस और नमक। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। गैस पे हमने पैन चढ़ा दिया है, इसमें डाल देंगे ऑयल। सबसे पहले हम इसके अंदर मूंगफली को अच्छे से भून लेंगे, फ्राई कर लेंगे। मूंगफली अच्छे से हो गई है, अब इसे निकाल लेंगे। अब आधी मूंगफली को हम अलग से कर देंगे और आधी मूंगफली का हम दरदरा सा पाउडर बना लेंगे। पहले हम इसे पीस लेंगे, ग्राइंडर जार में रख दिया है, अब हम इसे पीस लेंगे। इसका दरदरा सा पाउडर बना लिया है हमने, इसे कर देते हैं साइड। अब हमने जो साबूदाने लिए थे उसके अंदर हम ये पाउडर डाल देंगे, मिक्स कर देंगे। इस तरीके से मिक्स करके बनाने से बहुत आसानी से अच्छे से मिक्स हो जाते हैं और बनने में आसानी हो जाती है। और इसमें डाल देंगे हम नमक, नमक आप टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिए। आप इन दोनों को अच्छे से कर लीजिए मिक्स। मिक्स करके डालने से ज़्यादा चलाना नहीं पड़ता, तो इस तरीके से हम इसे मिक्स करके रख देंगे। वापस पैन चढ़ा दिया है, उसी तेल में हम, तेल गर्म हो जाएगा तो डाल देंगे ज़ीरा, करी पत्ता, हरी मिर्च, हरी मिर्च आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, पतली कट करके भी डाल सकते हैं। और उसमें डाल देंगे हम बारीक करके अदरक और लहसुन। और साथ में डाल देंगे प्याज, हरी मिर्च अच्छे से सौते कर लेंगे। साथ में हम ये पतले बारीक कटे आलू भी डाल देंगे ताकि ये इसके साथ ही अच्छे से पक जाए थोड़ा। दो तीन मिनट तक हम इसे अच्छे से ऐसे ही पका लेते हैं थोड़ा, ताकि आलूओं का कच्चापन खत्म हो जाए। आलू को अच्छा हमने 2 मिनट तक इसमें अच्छे से फ्राई कर लिया है, भून लिया है, अब इसका कच्चापन हो गया है ख़त्म। आप इसकी जगह उबले आलू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम डाल देंगे साबूदाना और इसे अच्छे से कर लेंगे मिक्स। आप चाहे तो इसके अंदर हल्दी भी डाल सकते हैं, मैं इस वक्त इसमें हल्दी नहीं डालूंगी, आप हल्दी डालकर भी बना सकते हैं। और अब हम इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे कर देंगे और इसे अब ढक करके हम 2-3 मिनट तक ऐसे ही पकने देते हैं, फिर एक बार इसे चला लेंगे। लो फ्लेम पे ये अच्छे से स्टीम से पकेंगे। अभी इसका देखिए कलर कैसे है, बाद में ये ट्रांसपेरेंट दिखने लगेंगे, तो इसे अभी हम 2-3 मिनट तक ढक करके पकने देते हैं। आइए चेक कर लेते हैं, ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता इसका कलर बदल जाएगा। खिचड़ी हमारी बन करके तैयार है। अब इसके अंदर हमने जो मूंगफलियाँ अलग से रख ली थी उसे डाल देंगे, हरा धनिया डाल देंगे, इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और साथ ही में इसमें डाल देंगे नींबू का रस और इन सबको अच्छे से कर लेंगे मिक्स और कर लेंगे डिश आउट। साबूदाना खिचड़ी बन करके तैयार है। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।